हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी आईआईटी कैंपस रुड़की से वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपकी कौन सी वैकेंसी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, इसमें हम साथ में आपको बताऊंगा ऑफलाइन जो फॉर्म है किस तरीके से भरेंगे, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी निकली वैकेंसी के बारे में, जो कि एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसके नोटिफिकेशन पे 6 पेज का आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर आईआईटी कैंपस और उनकी उत्तराखंड इंडिया, यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखने को मिल जाएगी, एडवर्टाइज नंबर देखने को मिल जाएगा, वैकेंसी नोटिफिकेशन है, 13 मार्च से आपका आवेदन आया है, लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2021। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं EMRC रुड़की इज एन एजुकेशन मीडिया आपका सेंटर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट CSE, ठीक है, न्यू दिल्ली, आपका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ऑफ UGC न्यू दिल्ली। यहाँ आपको आवेदन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पे आपकी वैकेंसी है, आपको देखने को मिल जाएगा सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर की 1। यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी लेवल 7 की 44 से लेकर 1,42,000 तक। यू आर कैटेगरी में है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री मांगी गई है या मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेफरली विद डिग्री इन लॉ या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट विद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका सीनियर, जैसे कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या सीनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट का। ठीक है, यहाँ पे आपकी एज नहीं, यहाँ पे नहीं बताई रही है। ठीक है, डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्रमोशन रहेगा। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें 1 वैकेंसी, आपकी सैलरी है 6 की लेवल 6 की, ठीक है, 35 से लेकर 1,12,000 यू आर कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एसेंशियल यहाँ पे रखा गया, एक्सपीरियंस का आपका अनुभव होना चाहिए 3 साल का, कंप्लीटेशन ऑफ अकाउंट में नॉलेज आपका इनकम टैक्स रूल बैंक आपका रिकंसलेशन इन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी एट फैमिलियर ये आपका स्टैंडर्ड फाइनेंशियल पैकेजिंग में। ठीक है, यहाँ पे डिजायरेबल रखा गया टेली कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि सर्टिफाइड MS ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपकी एज रखी गई 35, 5 साल का आपका रिलेक्शन रहेगा SC ST कैंडिडेट है तो, 3 साल का रहेगा अगर OBC है तो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल आपका असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, लेवल 6 की 35 से लेकर 1,12,000 तक, UR कैटेगरी में है। यहाँ पे एज भी आपकी 35 है SC ST की, 5 साल और 3 साल OBC की। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एसेंशियल एक्सपीरियंस आपका 5 साल का है, स्टेनोग्राफर की वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपको सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी या किसी भी आपको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में, डिजायरेबल यहाँ पे 1 ईयर के डिप्लोमा स्टेनोग्राफर का होना चाहिए जिसमें फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मॉडर्न ऑफिस इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेसिंग, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड और 100 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसी 1 लेवल 4 की 25 से लेकर 81 तो UR कैटेगरी में। यहाँ पे आपका हाई 12th और डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का स्ट्रक्चर हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिकनाइज इंस्टीट्यूट से या उसके इक्विवेलेंट या PGDCA होना चाहिए। ठीक है, आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया इन ऑपरेशन मेंटेनेंस वीडियो इलेक्ट्रॉनिक IT इक्विपमेंट। ठीक है, या SSC आपका प्लस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 15 साल का यहाँ पे अनुभव मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एज है 35 रखी, रिलेक्सेबल है SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 साल OBC, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। MTS की जो यूनिट प्योन एंड प्योन की है 2 वैकेंसी है, आपकी सैलरी 18 से 56 तक, आपका हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंस्टीट्यूट से, 30 आपकी आयु रखी गई है, 5 साल आपका रिलेक्शन रहेगा, OBC का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस आ रहे हैं रिटन एप्लीकेशन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म के, लास्ट डेट आपकी सबमिट करने की इन एप्लीकेशन विद इन 45 डे है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो यानी आपका जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आज ही यानी 13 तारीख की न्यूज़पेपर में आया तो 45 डे ऑफ 52 डे है जो कैंडिडेट वो रेजिडिंग आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप के। ठीक है, जो पहाड़ी जो इन इन क्षेत्र के दे रखे हैं, शुड यहाँ पे आपका एप्लीकेशन शुड रीच थ्रू रजिस्टर स्पीड पोस्ट बिफोर द टिल लास्ट
डेट ऑफ डायरेक्ट फ्रेंड आईआईटी कैंपस रुड़की में आपको यहाँ पे पहुंचाना है, इस पर लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट से पहले। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको इसके बारे में आ रहा है, यहाँ पे आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा 500 रुपए का, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए ब्राउन फेवर डायरेक्टर ईएमएमआरसी रुड़की पेएबल रुड़की, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेबल फॉर्म एसएसटी, यहाँ पे आपको जो फिजिकली चले जाए वो यहाँ पे इनको रिक्वायर्ड नहीं है डिमांड ड्राफ्ट बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हु अप्लाई द अबव द पोस्ट अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज नंबर, यहाँ पे 1/17 या द्वारा नीड टू सबमिट ओनली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एप्लीकेशन। तो जो कैंडिडेट जो लास्ट रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/17/2019 में आपने अप्लाई किया था उनको यहाँ पे फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो कि एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको यूज करना होगा सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ईच पोस्ट के लिए, जिसमें आपको आपको साथ में डिमांड ड्राफ्ट इन ओरिजिनल सेंड देम सेपरेट कवर सुपर स्क्रिप्ट अप विद द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई। तो अलग अलग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पीएसयू में काम कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना होगा, और बाकी जो डिटेल है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन सीईसी मल्टीमीडिया सेंटर विल बी प्रेफर्ड, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर टेस्ट या इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नीचे आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो है, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइज नंबर आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पोस्ट अप्लाइड डिमांड ड्राफ्ट, आपको सारी डेट अमाउंट नेम बैंक ब्रांच कोड यहाँ पे सारी जानकारी देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ रही है, आप देख सकते हैं आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, नेशनलिटी, जेंडर, यहाँ पे एज बतानी है यहाँ पे आपको क्या आपको, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आपको ईयर मंथ डे यहाँ पे बतानी है, एससी एसटी कैंडिडेट है, वेदर फिजिकली चैलेंज है यानी आपके शादी सुधाएं हैं, परमानेंट एड्रेस, फुल एड्रेस, यहाँ पे टेलीफोन मोबाइल नंबर यहाँ पे जानकारी देनी है, एजुकेशन के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, एक्सपीरियंस की यहाँ पे देनी है, लैंग्वेज कौन सी जानते हैं उसके बारे में, प्रेजेंट पोजिशन, सारी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका है, इसको फॉर्म को फिलअप करके आपको भरकर और इनवेलप में आपको देना होगा। तो फ्रेंड ये वैकेंसी थी, तो यह वैकेंसी थी आप लोगों की जो कि मैंने बताई 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो 26 अप्रैल को आपको इसको भरकर भेजना होगा, तो फ्रेंड ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी आपको दिखने मिल जाएगी लास्ट डेट 26 अप्रैल आ रही है, ठीक है। तो ये वैकेंसी थी आपकी आपकी एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की फ्रेंड। तो ये मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने धन्यवाद।